बच्चों हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, क्लास 11 का नवा चैप्टर। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जल के बारे में। पिछली क्लास में आपने हाइड्रेट अच्छे से पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज की क्लास में H2O, जल। अब जल ही जीवन है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो उस जल के बारे में थोड़ा सा जानना भी जरूरी है कि सर ये जल बना कैसे है। यदि आप देखते हैं तो जल किससे मिलकर बनता है, तो आपको पता है सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये एग्जामिनर को भी पता है और आपको भी पता है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का कुछ आपको इस तरह से फॉर्म होते हुए नजर आएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताऊँ यहाँ पे, यदि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका एटमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे बड़े प्यार से सर 8 होता है, ठीक है। गिन लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 नंबर पर आ गया। अच्छा जी, यदि मैं यहाँ पर देखना चाहूँ 2 और 6, आउटर जो मोस्ट इसका जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन के पास में कितने यहाँ पे पैर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो आप बोलेंगे सर 3 पैर हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं ऑक्सीजन इस तरह से रखता हूँ, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इसके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो हाइड्रोजन ने बोला सर आप एक काम करो मुझसे दोस्ती कर लो, हाइड्रोजन ने बोला कि मुझसे दोस्ती कर लो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए और 2 हाइड्रोजन ने यहाँ पे मिलकर के क्या बना लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड इस वाली जगह पे करा बना लिए। अच्छा, ये जो 2 बच गए वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे, यानी कि 2 तो हमारे लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड इस वाली जगह पर आकर के बने हैं। कितनी बात क्लियर है। अच्छा, आप मुझे बताओ, यदि मैं स्टेयरिंग नंबर कहीं पर निकालता हूँ तो स्टेयरिंग नंबर क्या होता है, यदि मैं ऑक्सीजन के ऊपर निकाल रहा हूँ तो लोन पेयर कितने हैं, 2। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड भी कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2। स्टेयरिंग नंबर कितना आया, 4। सर जब 4 स्टेयरिंग नंबर आता है तो संकरण कितना होता है, sp3। ये आपने निकालना सीख रखा है पहले से, ठीक है। तो संकरण कितना हो जाएगा इसका, sp3 हो जाएगा। अच्छा, लोन पेयर कितने हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 और 2, 2 लोन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर यानी कि 1 और 2, 2 बॉन्ड पेयर। ज्यामिति कैसी है, तो आपको नज़र आ रहा है ये, और इसको यदि इस तरह से ज्यामिति नज़र आ रही है, और ये क्या है, इसको यदि देखा जाए तो उल्टा वी है ना, ये वी होता है, और इसको वी को उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये उल्टा वी। और बंद कोण आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, 104 डिग्री 27 मिनट इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे रहेगा। इतनी बात क्लियर। चलो जी, ये तो नॉर्मल हमने संरचना के बारे में बात की। क्या सर क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो संक्रमण पर आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता कहाँ से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता कहाँ से, वो मैं आपको बताऊँगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भैया यहाँ से बनता है, ठीक है। वैसे सर देखा जाए तो ये सर 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना, याद होनी चाहिए भाई। केमिकल बॉन्डिंग में ये हम पढ़ चुके हैं कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो दोबारा से एक बार देख लो इसको, है ना। जब H2 2 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य आ जाता है तो एक अतिरिक्त बंध का निर्माण करता है, जिसे बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उच्च विद्युत ऋणी तत्व तो आपको पता ही है, पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाएगा तो फ्लोरीन रहेगा, फिर ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे। यदि H2 जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में यदि आ जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से उसको जानेंगे। देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे एक दुर्बल बंध है जिसकी बंध ऊर्जा कितनी होती है, 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताया कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता, जितना ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता होगी, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलो जी, बड़े आगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखना, ये एग्जाम में आया हुआ है, ईयर पता नहीं है बट ये एग्जाम में RBSC में आपसे पूछा गया है, ठीक है, RBSC एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है। कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है, कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे H2S की, ठीक है, H2S लेबोरेटरी में कभी गए हो, हाँ, लेबोरेटरी में यदि कभी गए होंगे तो आपको पता है सर H2S की जो यहाँ पे गंध आती है, ठीक है, वो कैसी आती है, सड़े अंडे जैसी बदबू इसकी आती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अच्छा, अब हमारा प्रश्न ये है कि सर कमरे के टेम्परेचर पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो सर H2O जो होता है वो तो लिक्विड होता है, ठीक है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में ही तो है, लेकिन यदि आप रूम टेम्परेचर पर H2S को देखोगे तो H2S क्या होगा, H2S भाई वहाँ पे गैस होता है। लेकिन सर ये तो पता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया जाएगा भाई, इसका रीज़न पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि भैया H2O तो आपने द्रव कर दिया और H2S आपने गैस कर दिया, ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रसायन, कोई ना कोई केमिस्ट्री इसके पीछे लग रही होगी, तो उसके बारे में हमें बात करनी है और यही हमें वहाँ पर बताना है। अच्छा, यदि आप देखना चाहें यहाँ पर तो H2O जो रहेगा, ठीक है,
H2O में यदि मैं देखना चाहूँ तो H2O में किस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, जहाँ पे आप देख पाते हैं कि एक सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। और यदि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में देखना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो एक संबंध होता है, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे एक सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस पे, इसको एक बार पढ़ो, है ना, क्या लिखा हुआ है, फिर मैं चर्चा करता हूँ। देखो भाई, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, है ना, बड़े ही प्यार से आराम आराम से समझा रहा हूँ, है ना, तो धीरे धीरे चीज़ों को करते जाओ, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बढ़िया, है ना, और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना, क्योंकि यदि आपने सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ा तो आप 11th पास कर लोगे, 12th में क्या करोगे, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट से चीज़ों को देखा तो ये सब जो चीज़ें हैं ये 12th क्लास का बेस है, क्लियर है। चलो जी, H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अत्यधिक उच्च होने की वजह से H2O अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे H2O अणुओं के मध्य आणविक संगुणन, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, आणविक संगुणन हो जाता है, और ये संगठित होकर के, आपको पता है कि सर जब भी कोई भी कण यदि पास पास बिल्कुल चिपके हुए हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ठोस होगा, ये थोड़ा थोड़ा सा दूर है तो वहाँ पे द्रव होगा, बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, गैस, ये प्रकृति उसकी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आणविक संगुणन हो रहा है तो इतना ज़्यादा चिपकेंगे नहीं, लेकिन ये चिपके तो रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा गैप होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये क्या होंगे, यहाँ पे संगठित होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पे द्रव यहाँ पे बना लेंगे। लेकिन इसके विपरीत हम बात करते हैं यहाँ पे H2S में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे आणविक संगुणन हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे तो आणविक संगुणन होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, सर यहाँ पे देखो H2O में क्या था, एक बॉन्ड पाया जा रहा था बहुत प्यारा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा पाया जा रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति में यहाँ पे क्या हो गया, आणविक संगुणन हो गया। अच्छा, आणविक संगुणन हुआ है इसलिए क्या है, द्रव अवस्था में है, लेकिन भाई H2S में देखा जाएगा तो H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, और ये बात तो हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ी थी, लास्ट पार्ट आपने देखा होगा। तो भाई यहाँ पे यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो संगुणन भी यहाँ पे नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, संगुणन भी नहीं होगा, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं पाया जाएगा, ये किस अवस्था में होगा, यहाँ पे गैसीय अवस्था में होगा, गैसीय स्टेट में ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और यही इसका कारण है और यही आपको एग्जाम में लिखना है, क्लियर। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है, लेकिन हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब घूम फिर के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, NH3 का क्वथनांक PH3 फोस्फीन के क्वथनांक से अधिक होता है, यानी कि क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है भाई मेरे, यौगिक चेंज करना है, बाकी जो रीज़न रहेगा वो इन सब का सेम ही रहता है, यानी कि क्वथनांक का क्वेश्चन जब भी आ जाए तब आपको यही लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे NH3 और PH3 के रेफरेंस में ये क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। तो देखना भाई, NH3 की बात की जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आता है, क्या इतनी बात क्लियर। चलो जी, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की थी, विद्युत ऋणता की हमने वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की थी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है, क्लियर, उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बताया है सर आपने भी, ऐसा नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण होता है, ठीक है। इधर देखो, मैंने तीन यहाँ पे आपको चीज़ें बताई थी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे NH3 है, यानी कि नाइट्रोजन तो आ ही गया, ठीक है, नाइट्रोजन यदि आया है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भैया हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप देखेंगे ऐसा नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण होता है, जबकि पीएच3 में बात करता हूँ तो पीएच3 में फॉस्फोरस की विद्युत ऋणता होने से, फॉस्फोरस की विद्युत ऋणता कम होने से, ऐसे लिख लो यहाँ पे, कम होने से H2 बंध अनुपस्थित होता है, अतः स्पष्ट है कि NH3 का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, यहाँ PH3 से ज़्यादा होगा। और ये चीज़ मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, H बॉन्ड जो रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गलनांक और क्वथनांक के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये बन गया ना तो भाई वहाँ पे मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बना ना तो वहाँ पे क्वथनांक कम हो जाएगा, ठीक है। और यही बात यहाँ पे हुई है, अभी मैंने देखो NH3 और PH3 के रेफरेंस में सोल्व कराया, इसी प्रकार से आपको H2O और H2S में करना है, इसी प्रकार से आपको HF और HCl में करना है, ठीक है, सिर्फ यौगिक चेंज करो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। NH3 की जगह H2O लिख दो, ठीक है, NH3 की जगह HF लिख दो, PH3 की जगह H2S लिख दो, PH3 की जगह HCl लिख दो, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, चलो जी और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पानी जलते हुए एल्कोहल को बुझा देता है, पानी जलता हुआ कोई एल्कोहल है उसको तो बुझा देगा ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ गैसोलीन की या फिर पेट्रोल की, तो उसको हम नहीं बुझा सकते। अच्छा एक बात सुनो, कहीं भी पेट्रोल पंप पे यदि आग लग जाती है ना कहीं पे भी, हाँ तो आपने देखा होगा कि सर वहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया जाता। आप बोलते हैं कि सर आग बुझ जाती है पानी से, तो लेकिन वहाँ पे लगा के देखो और ज़्यादा लग जाएगी। वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। अच्छा चलो जी, अब वहाँ यही बात हम बोल रहे हैं कि पानी जो रहेगा वो जल एल्कोहल को तो बुझा देगा ठीक है, जलते हुए एल्कोहल को तो बुझा देगा, लेकिन ये पेट्रोल को नहीं बुझाता है, ऐसा क्यों होता है ना। अच्छा जी इसको समझना, क्योंकि पानी और एल्कोहल अणुओं के मध्य निम्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध बन जाता है ठीक है, और कैसा हाइड्रोजन बंध, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनेगा जिससे इनके अणुओं के मध्य क्या हो जाएगा, आणविक संगुणन। इस शब्द पे मैंने अभी थोड़ी से देर पहले आपको चर्चा की थी ठीक है, आणविक संगुणन आपको ध्यान रखना है। यदि आणविक संगुणन हो रहा है, यदि आणविक संगुणन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, तो आपको पता है सर संगठित होकर के द्रव बना देते हैं, तो भैया यहाँ पे एल्कोहल तो बुझेगा ही बुझेगा, लेकिन ये संगुणन पेट्रोल के साथ में नहीं हो पाता है, गैसोलीन के साथ में नहीं हो पाता है ठीक है। अच्छा जी, फलस्वरूप आग बुझ जाती है जबकि पानी व गैसोलीन, इसको ध्यान रखो, जबकि पानी और गैसोलीन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहता है। पूरी का पूरा यहाँ पे काम किस पे आकर के टिकेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बस बस बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है। जहाँ पे नहीं बुझा रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जहाँ पे बुझा रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया, है ना, क्लियर है। चलो जी, तो ये तीन चार क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ये वाला आता है, ये आता है, और ये तो बिल्कुल यूँ मान के चलो कि पेट क्वेश्चन है, बिल्कुल आरबीएससी का या फिर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, क्लियर है। चलो जी देखेंगे आगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आजकल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि यार हाइड्रोजन बॉन्ड को परिभाषित करो, ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड ही पूछेगा, और वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है। और आप ऐसा वहाँ पे परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आप एक बार इन क्वेश्चन को करेंगे ठीक है, दिमाग में बिठाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। चलो जी आगे हम बढ़ते हैं, अब कुछ एक भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण यानी कि जो पानी को यानी कि जल को देखने से मिलते हैं हमें ठीक है। आपको क्या लगता है जल क्या है, तो आप बोलेंगे सर द्रव है, तो ये इसका भौतिक गुण हो गया, खत्म। अच्छा क्या आपको उसमें से गंध आती है क्या, यदि सिर्फ जल पी रहे हो तो ठीक है, तो आप बोलेंगे सर नहीं आती, गंधहीन है। सर स्वाद क्या होता है, मीठा होता है, नहीं सर। तीखा होता है, नहीं सर। खारा होता है, हाँ सर होता है, समुद्र का पीते हैं हम तो, अरे ना भाई समुद्र में तो NaCl होता है ठीक है, समुद्र के पानी में, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ। स्वाद पता करो, होता है क्या कुछ, नहीं होता, स्वादहीन होता है। अच्छा सर कलर, कलर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर कलर लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है ठीक है, होली की बात हम कर रहे हैं, नहीं भाई होली की बात नहीं करनी, नॉर्मल वाटर की बात करनी, कलर नहीं मिलाना है ठीक है। तो आपको पता चलेगा सर उसका तो कोई कलर ही नहीं होता ठीक है, वाइट तो दूध होता है ना, पानी का कोई भी कलर नहीं होता है, यानी कि ये रंगहीन है, कलरलेस है। तो ये बातें तो आपको बचपन से पता ही है ठीक है। यह आरएनएस के आरएनएस सिद्धांत पढ़ाया हुआ ना यार, है ना, चैप्टर नंबर 7 पढ़ना एक बार जाकर के, आरएनएस की थ्योरी पढ़ाई थी। यह आरएनएस के अनुसार उदासीन, यदि हम बात करते हैं, तीन चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पे, आरएनएस की हम बात करते हैं तो आरएनएस के अनुसार तो क्या है, ये उदासीन है। अच्छा ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार उभयधर्मी है, एक और बचा था वहां पे कौन, लुईस के अकॉर्डिंग क्या है भाई, लुईस के अकॉर्डिंग ये क्षारीय प्रकृति का है ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनएस के अनुसार जो जल है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो आप लिखेंगे वहां पे क्या भी मेरे उदासीन। अच्छा लोरी के अनुसार तो आप बोलेंगे सर उभयधर्मी, लेकिन यदि पूछ लिया जाए लुईस का, और सबसे ज़्यादा लुईस का ही पूछा जाता है, ये होता है कि भैया क्षारीय प्रकृति का होता है इनके अनुसार ठीक है। अच्छा जल का जो गलनांक होता है वो 0°C और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100°C पे ये उबलने लग जाता है ठीक है। अच्छा जी जल का परावैद्युतांक आपको ध्यान रखना है ATDY क्या है सर, यहाँ पे ये सर एक यूनिट है जो कि परावैद्युतांक की होती है, यह आयनिक यौगिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विलायक माना जाता है, ये आपको पता है ठीक है। चलो जी बढ़े आगे आ जाओ भी, अब बात करते हैं ये यहाँ पे इसकी क्षारीय गुण, रासायनिक गुणों की
ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ पे भौतिक गुण देख लिए इसके, अब इसके रासायनिक गुण क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार जल उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये तो पता ही है, देखो ना ये लिखा है ना। यह प्रबल अम्ल के साथ, यह प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार के रूप में, ठीक है, कोई भी प्रबल अम्ल होगा, कोई भी यूं मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके साथ में तो ये क्या होगा, प्रबल क्षार के साथ, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार बोले तो वीक बेस के रूप में, और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने यदि लिया हुआ है, ठीक है, प्रबल क्षार के साथ में दुर्बल अम्ल के रूप में कार्य करता है, दुर्बल अम्ल। यानी कि मान लीजिए हमने कभी लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये क्या करेगा, वीक बेस की तरह कार्य करेगा, लेकिन यदि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वहाँ पे क्या करेगा, वीक एसिड की तरह कार्य करेगा, ठीक है, जस्ट उल्टा करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग है तो वीक कर दो, स्ट्रॉन्ग है तो वीक कर दिया, एसिड है तो बेस कर दो, बेस है तो एसिड कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो इधर नज़र आ रहा होगा HCl की हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो जल होगा वो किसकी तरह कार्य करना चाहिए, तो आपको बताया सर स्ट्रॉन्ग का तो क्या करना है, वीक करना है, और एसिड का क्या करना है, बेस करना है, ख़त्म। यानी कि जो यहाँ पे जल है, जल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो ये वीक बेस, यानी कि वीक का मतलब क्या हो गया, दुर्बल, और बेस का मतलब क्षार, दुर्बल क्षार की तरह ये कार्य कर रहा है और क्या बनाएगा यहाँ पे H3O+ और Cl- बना देगा, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे, एक दो चीज़ें ध्यान रख लो, यदि क्षार के रूप में कार्य कर रहा है, यदि यह क्षार के रूप में कार्य करता है तो हाइड्रोनियम, अच्छा क्षार के रूप में, हाइड्रोनियम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर H3O+, अच्छा क्षार के रूप में शायद यहाँ कार्य कर रहा था, है ना, तो क्षार के रूप में यदि यहाँ पे कार्य कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। यदि अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये OH की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा इसको एक बार थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पे क्या होगा, इस वाली जगह पे चेंज कर लो, है ना, इस वाली जगह पे चेंज कर लो। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है शायद, है ना, इसको यहाँ से हटा लो यार, है ना, यहाँ पे ध्यान रखो HOH की हम बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो ये क्या देता है, यहाँ पे OH आयन में परिवर्तित होगा और ये अम्ल की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे इस वाली जगह पे ये अम्ल की तरह कार्य करता है, बेस की तरह काम नहीं करता, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या देने वाला है, OH- आपको यहाँ पे देने वाला है, क्या इतना फंडा क्लियर, ठीक है, बढ़े आगे। तो ये क्या थी आपकी भैया यहाँ पे हाइड्रोजन की, यहाँ पे जल की बातें थी कि जल के रासायनिक गुण क्या हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे दो तीन चीज़ों को आप देख लो, दो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, ये मैं आपको पहले सोल्व करा चुका हूँ, यदि आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग में लाते हुए इसकी जल के साथ होने वाली अभिक्रिया हमें लिखनी है, और ये अभिक्रिया हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये लो जी हाइड्रोनियम आयन देता है, जल में स्वतः आयरन का गुण भी पाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 को फिर से पढ़ो, यदि ये क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा हो तो, एज इट इस क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन देता है और OH- यहाँ पे देता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो इससे भी रिलेटेड है और ये 7 चैप्टर से भी आपके रिलेटेड है, क्लियर है। तो ये थी किसकी बात भाई, यहाँ पे जल की बात। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक, वो बढ़िया सा टॉपिक, ठीक है, अगली क्लास में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।